अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2024 देने वाले हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज़ आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे लेटेस्ट वाला सबसे नया वाला पेपर पैटर्न फॉर मराठी सब्जेक्ट। जो भी बोर्ड एग्जाम्स 2024 देने वाले हैं उन सबके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज के वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा आपको जो मराठी का बोर्ड पेपर है उसके अंदर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड देखो, जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मराठी के पेपर का टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है उसके लिए कल सुबह वीडियो आने वाली है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो एंड इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 500 प्लस लाइक के लिए। अभी कभी लाइक बटन को दबा के मारो एंड शेयर करो अपने हर क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। तो मैं आप सभी को 5 से 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा एक पूरा पेपर पैटर्न आपके मराठी के सब्जेक्ट के लिए। अब एक चीज आप लोग मेक श्योर करो, सेम टू सेम इसी हिसाब से बोर्ड पेपर आने वाला है, बस क्वेश्चंस बदले हुए रहेंगे, फॉर्मेट सेम टू सेम रहने वाला है। देखो, सबसे पहले ना आपको जो विभाग नंबर 1 है उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, टोटल 80 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है एंड टोटल 5 विभाग होने वाले हैं। 80 मार्क्स के लिए 5 विभाग आएंगे। सबसे पहला विभाग होगा विभाग नंबर 1 गद्य। अब देखो, गद्य विभाग ना काफी सिंपल होता है, पैराग्राफ पूछे जाएंगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, बट आप लोग अटकोगे कहाँ पे, सोमत के अंदर। सोमत के अंदर आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग 1.5 पेज से ज्यादा लिख रहे हो सोमत को। सोमत का जो आइडियल लेंथ है वो 1.5 पेज से ज्यादा होना चाहिए सोमत के अंदर, बिकॉज तभी जाके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं एंड बोर्ड एग्जाम को समझ में आएगा कि बंदे ने एकदम अच्छे से पढ़ाई की है एंड उसने एकदम अच्छे से पेपर को लिखा है। मेक श्योर आप 1.5 पेज से ज्यादा लिख रहे हो एंड देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैराग्राफ पे बेस्ड रहेंगे, इसीलिए आप सभी लोगों को एकदम ऐसे ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद में गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, सेम टू सेम ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एंड यहाँ पे 2 पैराग्राफ टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे एंड 1 पैराग्राफ अपठित गद्य टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा, इसलिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एकदम रेडी हो जाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड अगर आप सभी लोग रेडी हो अपना मराठी पेपर देने के लिए अभी कभी कमेंट करो #ready, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन रेडी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आने के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ फाड़ के आने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं विभाग नंबर 2, दैट इज पद्य। अभी जो पद्य वाला विभाग है ना, टोटल 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एंड ये 16 मार्क्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे एंड बाकी के 8 मार्क्स के लिए रस ग्रहण पूछा जाएगा। तो देखो, ये जो 8 मार्क्स है ना, एक पोएम आएगी, ये पोएम के अंदर क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके अंदर आप सभी को एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप शब्दार्थ वगैरह एकदम अच्छे से कर रहे हो एंड अगर आपने पोएम को अगर आपने समझ लिया आप सारे क्वेश्चंस को एकदम इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। एंड ये जो भी काव्य सौंदर्य वगैरह है ना, इसके अंदर आप सभी लोगों को करना क्या है ना, जो भी आपकी कविता के नियम है, कवि वगैरह, ये सब एकदम अच्छे से याद रख लेना, कवि का नाम याद रख लेना, बिकॉज तभी जाके आप लोग 1 से 2 लाइन इंट्रो की लिख दोगे एंड आप इजीली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। उसके बाद में आता है रसग्रहण। अब देखो, रसग्रहण ना टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड बहुत स्टूडेंट्स को क्या डर रहता है ना, भैया हमें बॉक्स बनाना है क्या? देखो, वो आपके ऊपर है, बॉक्स बना रहे हो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन का नाम डाल देना, क्वेश्चन लिख देना एंड आप उसके नीचे आंसर लिख सकते हो। एंड देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। यहाँ पे आप सभी लोगों को नेगेटिव नहीं लिखना है, आप सभी लोगों को सिर्फ कविता आवडण्याचे कारण लिखना है। भले आपको कविता नहीं समझ में आई है फिर भी लिख देना, मेरे को कविता बहुत अच्छी लगी ये रीजंस की वजह से। उसके बाद में आता है नेक्स्ट विभाग, दैट इज स्थूल वाचन। ये टोटल 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एंड देखो, ये 6 मार्क्स के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है, एनी 2 सॉल्व करना है एंड मैं आप सभी को बोलूंगा, आप सभी लोग है ना जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन्हें एकदम अच्छे से पढ़ लो, समझ लो एंड अगर आप खुद के वर्ड्स के अंदर भी आंसर्स लिखते हो तो भी चलता है, खुद के वर्ड्स में लिख के आओ, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। बट द मेन थिंग इज आप सभी लोगों का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है काफी अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट विभाग की, दैट इज विभाग नंबर 4, भाष्य अभ्यास। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है आपके पूरे पेपर के अंदर, 16 मार्क्स हैं, आपको 16 में से 16 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे मिलने वाले हैं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वनशॉट वीडियो का लिंक डाल के रखा है मराठी ग्रामर वनशॉट, उसे जाके फॉलो करो एंड आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है मराठी ग्रामर के क्वेश्चंस का। एंड देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, सेम टू सेम इसी हिसाब से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी विभाग की, दैट इज विभाग नंबर 5, उपयोजित लेखन। अब ये जो विभाग है ना, टोटल 24 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है। एंड देखो, ये वाला विभाग ना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे आप सभी को ऑप्शन रहेगा, या तो आप सारांश लेखन लिख दो, सारांश मतलब समरी राइटिंग, वहीं पे आप लोग पत्र लेखन लिख दो। अब पत्र लेखन मैं आप सभी को बोलूंगा, आप लोग पत्र लेखन को ऑप्ट कर रहे हो बिकॉज आपको फॉर्मेट के ही मार्क्स मिल जाएंगे। पत्र लेखन के अंदर भी 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो विनंती पत्र या फिर अभिनंदन पत्र। ये वाला इनफॉर्मल है, ये वाला फॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये औपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है। तो आप सभी लोगों को औपचारिक पत्र को ऑप्ट करना है, बिकॉज उससे होगा क्या, आपको जो फॉर्मेट है आपको फॉर्मेट के ही
2 से 3, 3 से 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे एंड बाकी का जो 1 से 1.5 मार्क है उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। 6 मार्क्स के लिए आएगा एंड 6 मार्क्स के अंदर आप लोग इजीली 4 से 5 मार्क्स स्कोर करने वाले हो। ट्रस्ट मी गाइस, मेक श्योर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। उसके बाद में आते हैं गाइस, आपको 3 ऑप्शन रहेंगे, आपको 3 में से कोई भी 2 को सॉल्व करना है। सबसे पहले जाहिरात लेखन, फिर आता है बाद में लेखन और फिर आता है कथा लेखन। अब देखो मैं आपसे एक बोलूंगा, आप लोग जाहिरात लेखन को ऑप्ट करो बिकॉज फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाएंगे, काफी कम लिखना पड़ेगा, काफी कम टाइम लगेगा एंड आपको ज्यादा मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। वही भी कथा लेखन बचपन से लिखता है एंड आप सभी लोग यूज टू हो गए हो एंड आप इजीली पूरी कथा को इजीली लिख के आ जाओगे। एंड देखो बाद में लिखन ना काफी नया टॉपिक है एंड देखो मैं आपसे को बोलूंगा ये पूरा मेरा रिकमेंडेशन है। आप सभी लोगों को कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, अभी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज निबंध लेखन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड टोटल 8 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब इसके अंदर ना सबसे पहले आएगा प्रसंग लेखन, उसके बाद में आत्मकथन एंड लास्ट में आता है वैचारिक निबंध। अब देखो मैं आप सभी को बोलूंगा आत्मकथन को ऑप्ट करो, उससे होगा क्या, काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, जल हो गया, धरती हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आप सभी लोग इजीली 2 से 3 पेज ये वाले क्वेश्चन के ऊपर लिख दोगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब ये जो 8 मार्क्स है क्या लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 7 मार्क्स स्कोर कर रहे हो? यस गाइस, भले ही कितने भी अच्छा लिखा हो बट 1 से 2 मार्क्स लोग काट लेते हैं, तो आप सभी लोगों को 5 से 6, 6 से 7 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है। एंड देखो अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हो, मैंने आप सभी को पूरा पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है एंड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो कल सुबह आने वाली है, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है। ये एक पूरा पेपर पैटर्न था, एक तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लिया। मेक श्योर गाइस आप एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ के आना है एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपने क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। टिल दैट टाइम गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।